नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। लोहारी के पास फर्जी मालिक बना 2.32 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में डीड राइडर एवं सनातन धर्म संगठन के वाइस चेयरमैन सतनाम मिगलानी गिरफ्तार, बेटे की भी होगी गिरफ्तारी। इसराना से कांग्रेस विधायक बरबीर वाल्मीकि के बड़े भाई संदिग्ध हालत में लापता, 2 दिनों से परिजन कर रहे हैं तलाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पत्नी के साथ सुबह सैर पर निकली वकील से झपटी 1 तोले की सोने की चैन। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश पुलिस द्वारा चेकिंग करने के बाद भी नहीं पकड़ में आए बदमाश। नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन आयुक्त एडीसी वत्सल वशिष्ठ को मिली अग्रिम जमानत। पानीपत जिले से अलग अलग जगहों से छात्रा, युवती और महिला लापता, अलग अलग थानों में सभी के परिजनों ने दी पुलिस को शिकायत। किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में शादी के 6 दिन पहले पड़ोसी मुस्लिम युवक भगा ले गया युवती को। दोनों के मोबाइल फोन घर के पास ही हो गए थे बंद, नहीं मिल रही है लोकेशन। 3 बदमाशों ने देशराज कॉलोनी में दुकानदार के घर में घुसकर 11 लाख रुपए के जेवर और 80,000 रुपए की चुराई नकदी, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलर्ट रहने के दिए आदेश। जिले में कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी का भी हो गठन। सांसद संजय भाटिया ने गांव रक्सेड़ा में सामुदायिक भवन के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सांसद ने कहा, मेरे घर कार्यालय आम जन के लिए 24 घंटे खुले हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।